मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? लेन। आज जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है लेन। कि लेन किसे कहते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग लेन पढ़ते हैं, पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन लेन किसे कहते हैं? तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि लेन किसे कहते हैं। हाँ, तो देखिए लेन संज्ञा, अब संज्ञा तो आपने ही पढ़ी थी इससे पहले, मैंने क्या बताया था आपको संज्ञा के लिए कि नाम वाले सभी शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। जिसमें मैंने आपको व्यक्ति के नाम बताए थे, वस्तु के नाम बताए थे, प्राणी के नाम बताए थे, स्थान के नाम बताए थे और भाव के नाम बताए थे, वो सब क्या थे? वो सारी चीजें क्या थी? संज्ञा थी, है ना। तो संज्ञा तो आपको आ ही गया। फिर मैंने संज्ञा में उसके प्रकार बताए थे, कौन से तीन प्रकार? जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। तो संज्ञा तो देखिए आप सब जानते हैं कि नाम वाले सभी शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से स्त्री और पुरुष जाति का होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। यानी जो संज्ञा शब्द होगा उसको पढ़कर जब आपको ये पता चलेगा कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, तो क्या कहलाएगा? लिंग कहलाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर दो पिक्चर बनी हुई है, एक क्या बनी है? लड़की और एक लड़का। तो ये देखिए हमें कौन सी जाति का बोध करा रहा है? ये वाला जो चित्र है किस जाति का बोध करा रहा है? स्त्री जाति का, है ना। और ये देखिए क्या बना है? लड़का। और ये किसका बोध करा रहा है? पुरुष जाति का। बोध का अर्थ होता है जानकारी दे रहे हैं। तो संज्ञा के वो शब्द जिससे हमें ये पता चले कि वो स्त्री है या पुरुष है तो क्या कहलाएगा? ले। जैसे देखिए यहाँ हमने एक शब्द लिखा लड़की, ये लड़का है। अब ये लड़का और लड़की ये हुए ना। अब इसको पढ़ा आपने, तो इसको पढ़ के आपको क्या पता लगा कि कौन सी जाति का है? ये स्त्री जाति की है। जब आपने इसको पढ़ा लड़का, तो जब आपने इसको पढ़ा तो आपको क्या पता लगा? ये पुरुष जाति का है। और जब हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी तो उसमें क्या बताया था कि संज्ञा के जिस रूप से हमें इसका स्त्री जाति का या पुरुष जाति का पता लगे उसे लिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चल रहा है ये लड़की है और ये लड़का है? तो हमें इससे इसकी स्त्री जाति का पता चल रहा है, इससे इसकी पुरुष जाति का पता चल रहा है, तो हमारे क्या कहलाएंगे? लिंग कहलाते हैं। यानी वो शब्द जो आपको ये बताए, आपको ये पता चले ये लड़का स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, तो वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। जैसे आपने उदाहरण पढ़ ही लिया, तो जब आपको परिभाषा याद करनी होगी तो आप कैसे याद करेंगे? कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री और पुरुष जाति के होने का पता लगे उसे लिंग कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है लड़की लड़का, दादी दादा, नानी नाना। तो देखिए नानी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, नाना पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, दादी स्त्री जाति का बोध करा रही है, दादा पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये वो शब्द हैं जो आपको क्या बता रहे हैं कि ये स्त्री है या पुरुष है। और वही हमारे क्या कहलाएंगे? लिंग, जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के वो शब्द जो हमें स्त्री या पुरुष जाति के होने का जानकारी देते हैं कि स्त्री जाति या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री और पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। एक उदाहरण हम लोगों ने देखा है जैसे लड़की लड़का, दादा दादी, चाचा चाची। तो उसके अलावा आइए और कुछ और उदाहरण मैं आपको दिखाती हूँ और उसके चित्र भी आप देखते चलिएगा, तब आपको ये और अच्छे तरीके से समझ आएगा कि लिंग किसे कहते हैं। कि अब देखिए जो
जो जब आपको बता देंगे कि स्त्री या पुरुष जाति का, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिंग है ना कि, और लड़का लड़की आपने देख ही लिया। इसके अलावा और उदाहरण है जो मैं आपको अभी चित्र में दिखाती हूँ। ये देखिए फिर लड़की लड़का, तो लड़का देखिए यहाँ पर किसके बारे में हम बता रहे हैं, पुरुष जाति के बारे में, और लड़की स्त्री जाति के बारे में। तो ये जो संज्ञा शब्द नीचे दे रखे हैं लड़का या लड़की, ये क्या हो गए हमारे, लिंग। तो ऐसे ही और चित्र हैं जिनको चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए दादा दादी, अब दादा से हमें पुरुष जाति का पता लग रहा है और दादी से स्त्री जाति का, तो ये शब्द भी क्या हो गए, लिंग। फिर चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद कौन सा चित्र आता है, ये देखिए भाई और बहन। अब भाई यहाँ पर पुरुष जाति के बारे में बता रहा है और बहन राइट स्त्री जाति के बारे में बता रहा है। तो यहाँ भी देखिए ये संज्ञा शब्द हमें किसके बारे में बता रहे हैं, स्त्री या पुरुष जाति के बारे में। फिर देखिए नाना नानी, मैंने अभी आपको बताया ही था कि जैसे नाना नानी दादा दादी, तो देखिए नाना पुरुष जाति और नानी स्त्री जाति, तो ये भी संज्ञा शब्द हैं जो हमें स्त्री और पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं। फिर देखिए इसके बाद मुर्गा मुर्गी, अब मुर्गा किसके बारे में बता रहे हैं, पुरुष जाति के बारे में, मतलब मुर्गा जो शब्द है इससे हमें पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति का है, और जो मुर्गी है इससे पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति के हैं। तो ये शब्द भी क्या हुए, यही हमारे क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। फिर देखिए आगे मोर और मोरनी, देखिए एक चित्र में मोर बना है और दूसरे में मोरनी बनी है। अब मोर स्त्री जाति, मोर किसके बारे में बता रहे हैं, मोर मतलब मोर शब्द से हमें पुरुष जाति के बारे में पता चल रहा है, मोरनी से स्त्री जाति के बारे में। फिर इसके बाद देखिए माली और मालिन, देखिए एक तरफ माली है जो पुरुष जाति, जिससे हमें पुरुष जाति के बारे में पता चल रहा है, और एक तरफ मालिन शब्द है जिससे हमें स्त्री जाति के बारे में पता चल रहा है कि ये स्त्री जाति की है, चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद देखिए बालक बालिका, अब बालक जो शब्द है इससे किसका पता चल रहा है, पुरुष जाति का, और बालिका जो शब्द है इससे स्त्री जाति का, तो ये शब्द भी क्या कहलाएंगे, लिंग कहलाएंगे। फिर देखिए अध्यापक और अध्यापिका, देखिए एक साइड अध्यापक पढ़ा रहे हैं और दूसरी साइड दिखाई दिए आपको अध्यापिका पढ़ा रही हैं, तो यहाँ पर अध्यापक शब्द जो है वो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और अध्यापिका शब्द जो है वो स्त्री जाति, यानी ये दोनों में पुरुष और स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं, कौन पुरुष है कौन स्त्री। फिर देखिए राजा और रानी, अब देखिए ये राजा और रानी, और आपको दिखाई भी दे रहे होंगे चित्र में, तो राजा शब्द क्या है, पुरुष जाति के, राजा शब्द से पुरुष जाति के बारे में पता चल रहा है, रानी से स्त्री जाति के बारे में। फिर देखिए हाथी और हथनी, एक चित्र में हाथी बना है दूसरे चित्र में हथनी, हाथी शब्द जो है पुरुष जाति के बारे में बता रहा है और हथनी शब्द से स्त्री जाति के बारे में पता चल रहा है हमें, जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। फिर देखिए इसके बाद जो आगे चित्र है बंदर बंदरिया, ये देखिए बंदरिया डांस कर रही है, तो इसमें भी जो बंदर शब्द है पुरुष जाति के बारे में बता रहा है और बंदरिया शब्द स्त्री जाति के बारे में बता रहा है। और जब हम लोग लिंग चैप्टर पढ़ रहे थे तो शुरू में मैंने आपको बताया था, तो शुरू में ही मैंने संज्ञा के क्या परिभाषा बताई थी आपको, कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चले कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, तो वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। और देखिए दोनों चित्र भी बना के दिखाए थे, फिर उसके अलावा इतने सारे हम लोगों ने अभी भी चित्र देखे, तो अब आप समझ गए होंगे कि लिंग किसे कहते हैं, है ना, कि वो संज्ञा शब्द जो हमें ये बताएं कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे हमारे, वो शब्द लिंग कहलाएंगे। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या जाना, किस लिंग किसे कहते हैं, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, तब तक आप इसको रिवाइज करिएगा, इसको फिर से पढ़िएगा, और संज्ञा की परिभाषा अच्छे से, संज्ञा की परिभाषा जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से याद करिएगा। फिर आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, लिंग, लिंग की परिभाषा को भी याद करिएगा,
फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट को आगे पढ़ेंगे. ओके.